नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। संख्या में विद्यार्थी बहुत कम शुरू लगभग ना के बराबर पर अध्ययन करते हैं और अच्छी खुशी की बात है कि वहाँ का रिजल्ट 90% से ऊपर ही आता है। ये आपके वहाँ के सारे शिक्षकों का प्रयास है और आपका आशीर्वाद है कि वहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे, गरीब अमीर, सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जाता है। खास करके हिंदी में भी पढ़ाया जाता है क्योंकि जो हमारे देश की भाषा है। अभी जो मैंने प्रस्तावित की, इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। जब आप महामहिम मंदिर के सिक्किम राज्य गए तो मुझे भी वहाँ पर इन्होंने एक और सेवा का अवसर दिया। इनका मेरे पास फोन आया कि वहाँ पर एक मंदिर शिव जी का है, उसका जीर्णोद्धार करवाना है, तो आप आएंगे तभी होगा। तो मुझे इन्होंने वहाँ पर अपना चल रहा है। भेलूपुर वाराणसी में जन्मे भगवान पार्श्वनाथ का 1900वां जन्म वर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, क्षमा भाव, एकांतवाद, अनेकांतवाद, यही जैन धर्म। जन और हमारे मित्र विनोद चांदी वाले जो नवनियुक्त समाज मंत्री अभी बने हैं, आप सबका मैं हार्दिक वंदन करता हूं। क्योंकि आज हमारे बीच हम सबके पूर्ण सौभाग्य से हमारे नेता पूर्व में आचार्य श्री से हम लोग की बड़ी अच्छी बेटे भी हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। अल्पसंख्यक जैन समाज है जो संख्या बल में कम होते हुए भी देश के रेवेन्यू देने के लिए, देश के विकास के लिए और देश में सामाजिक सहयोग के लिए सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। उनका इलाज करते थे, इतने लोगों को बचाया है। कुमार यहाँ पे डॉक्टर जेके सावरिया जी है, कुमार उत्सव सावरिया जी है, इनके पास यदि कोई श्रीमान संजय जैन जी, बड़े जी श्री और एक अधिक कार्य को करने वाले कहीं भी लगा के साथ उनका समानांतर मिल जा रहा है। पालियों के सिंगई आनंद कुमार जैन उत्सवी मैं कहना चाहता हूँ विमान चांदी अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री हरियाणा नगर शास्त्र मंत्री के रूप में बार बार ग्रहण किया है। सौमित्र श्री अजीत जैन जी वकील साहब मध्य मंत्री नरिया के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राहुल जैन जी दिलुक सिंह श्री पोता सुदीप श्री डॉक्टर के जैन जी को एक ऐसे के रूप में ऐसा कार्य आपके कारण है महसूस हो ऐसा कार्य सभी एक बात की बात है। भगवान पार्श्वनाथ की जन्मकल्याणक वर्ष के अंतर्गत श्री 1008 इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के मंच पर उपस्थित श्री काशी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष मेरे बहुत ही आत्मी आदरणीय श्री आरसी जैन जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संजय जैन जी, उपाध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, कोषाध्यक्ष श्री सौरभ जैन जी, विधान कंगले आदरणीय ब्रह्मचारी श्री संजय भैया जी, प्रधानमंत्री श्री प्रदीप जैन जी, जैन समाज के विद्वान, जैन समाज की सभी माताएं बहने भाई बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हमारे आदरणीय संचालक जी जो बहुत विद्वान है, तो सबको एक सूक्त में समझने की क्षमता रखते हैं, मेरे प्रति कुछ स्नेह के बड़े शब्द कहे, मुझे ध्यान रखें कि मेरा मन नहीं पागल होना, ये उनका प्रेम है। वो बनारस है, बनारस में तो सब एक दूसरे को बहुत आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं और सभी को कहते हैं काम वाली काम हलचल हो ठीक होगा, उसकी स्थिति चाहे जैसी हो, अपने रोज कुर्ते धोती रोज साफ करके दूसरे दिन सुबह उठता है, उसको भी मालिकी कहते हैं। फिर क्या कहा जाए, लेट होगा ठीक होगा, आज चलो नहीं,
और उसको ये भी कहते हैं कब कब कहा धर्म खेलन है, यानी राजा बागी गुरु। हम ऐसा संबोधन करते हैं, उस राजा का मन नहीं बिगड़ना चाहिए, उस मालिक का मन नहीं बिगड़ना चाहिए। तो संजाल की यार मन बिल्कुल ठीक है, ये जितनी बातें आपने कही है आपका प्यार है। तो जैसे कि ये आपने मुझे कुछ कही कि हमारे बहुत धन्यवाद। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की इस पावन भूमि पर आज गए, मेरा मुझे उनका दर्शन करने का और इस गौरवशाली इतिहास को अतीत को जानने का अवसर मिला। भगवान पार्श्वनाथ जी और हमारे तीर्थंकर ने देश के दुनिया के सुख शांति के लिए उनके कल्याण के लिए कामना किया। आज उस निमित्त यहाँ यज्ञ आदि हो रहा है और इस देश की संस्कृति रही है कि मानव और मानव मात्र के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए हमें हमेशा प्रार्थना की है। आज इस पावन भूमि पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। जैन समाज जो अपने संस्कृति को लेकर के, भगवान के इन उपदेशों को लेकर के समाज में मानवीय गुणों का प्रचार प्रसार कर रहा है, आज उस कमेटी उसके एक जिम्मेदारी ली है। सबको मैं उसने शुभकामना दिया और सभी को अभिनंदन किया और अपने जीवन को धन्य किया भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन करके। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ऋषभ चंद्र जैन है, मैं श्री काशी दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। ये श्री पार्श्वनाथ भगवान हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, उनका 29वां जन्म कल्याणक वर्ष चल रहा है और उस वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर इंद्रध्वज विधान विश्व शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर, यहाँ के जितने भी समाज के लोग हैं, उन्होंने आयोजित किया था। तो आज इस सबसे बड़ा हर्ष की बात यह है कि हमारे सिक्किम राज्य के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी वो यहाँ पर आए, उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की, हमारे समाज ने उनका अभिनंदन किया। हम लोग बड़े प्रसन्न हैं कि आज उनके आगमन से हमारे समाज में एक खुशी की लहर है और हमारे नव निर्वाचित जो भी पदाधिकारी जिन्होंने अपना नया सेवा का अवसर मंदिर के विकास के लिए धर्मावलंबी तीर्थयात्री बनारस में आते हैं, उनको अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान किया हुआ है। उन सभी नव निर्वाचित सदस्यों का माल्यार्पण करके हमारे राज्यपाल महोदय ने उनका स्वागत किया। मैं राकेश जैन, अभी जैसा कि आपको विदित है, श्री दिगंबर जैन समाज काशी का चुनाव हुआ था जिसमें उपसभापति का दायित्व मुझे समाज के सदस्यों द्वारा मेरे को निर्वाचित करके दिया गया है। देखिए, जैन समाज, इसकी सामाजिक गतिविधियां हमेशा विश्व शांति हेतु होती है, तो आज हमारे यहाँ मंदिर में इंद्रध्वज विधान व विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन था। इस आयोजन में सिक्किम के राज्यपाल महामहिम श्री लक्ष्मण आचार्य जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। इसी अवसर पर ब्रह्मचारी संजय भैया द्वारा नव निर्वाचित पदाधिकारियों को अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जैन समाज द्वारा एक मांग महामहिम श्री लक्ष्मण आचार्य जी के सामने रखी गई, वो मांग थी, चूंकि काशी चार भगवानों की जन्मस्थली है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में चार भगवानों का जन्म काशी में लेना काशी के लिए अत्यंत गौरव की बात है। हम सब ने सिक्किम के राज्यपाल महामहिम श्री लक्ष्मण आचार्य जी से मांग की कि काशी को जैन सर्किट के रूप में घोषित किया जाए। अगर प्रदेश शासन काशी को जैन सर्किट के रूप में घोषित करती है तो हम सबको कहने में कोई संकोच नहीं कि काशी के पर्यटन को चार चांद लग जाएगा। और वर्तमान में जो काशी में रेवेन्यू आ रही है, चूंकि जैन समाज एक समृद्ध और सशक्त समाज है, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी देश के आर्थिक विकास में, रेवेन्यू देने में, सामाजिक सेवा में जैन समाज अग्रणी पंक्ति में है। अतः अगर जैन सर्किट घोषित होता है तो काशी के रेवेन्यू को दुगना करने की जैन समाज गारंटी देता है। ये काशी के लिए बड़ी गौरव की बात होगी, प्रदेश शासन के लिए बड़ी गौरव की बात होगी, देश के लिए गौरव की बात होगी कि जिस काशी ने चार
तीर्थंकरों को जन्म दिया है उसको जैन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।